2019 से के लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला सवर्णों के पक्ष में लिया है। सवर्णों को 10% आरक्षण मोदी सरकार ने देने के गए फैसला लिया है, जो कि सवर्णों के बहुत हित में है। 2019 में मोदी सरकार को क्या राहत मिलेगी, 2019 में मोदी सरकार को इससे क्या बेनिफिट होंगे, क्या फायदे होंगे, ये तो भविष्य के गर्त में छुपा है। परंतु सवर्णों को 10% आरक्षण मिलने से सवर्ण जो आर्थिक रूप से जो पिछड़े सवर्ण हैं उनको बहुत फायदा पहुंचने वाला है। ज्योति डोभाल, यूके लाइव के लिए टीवी। देखो, 2014 में जैसे मोदी जी ने बोला था कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे, काला धन लाएंगे, इतने करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, 15 लाख रुपए जनधन खाते में देंगे, उसी तरह ये मुझे लग रहा है कि 2019 के लिए उनका एक चुनावी जुमला है जिसे वो बजाएंगे, लोगों को फिर उसी तरह बेवकूफ बनाएंगे जैसे 14 में बनाया था। अभी देखो, अभी उनके कई चीज़ 3 तलाक वाला वहीं लटका हुआ है, कोई इस तरह तो हुआ नहीं जैसे हुआ। हाँ, ये है कि प्रधानमंत्री जो है एक गपोड़ी प्रधानमंत्री हैं, कुछ ही बोल सकते हैं, कुछ भी लोगों को बहका बोले पहला फुसला के किसी तरह वोट हासिल करके फिर सरकार बना देंगे, फिर बोलेंगे ये मुक्त चाहिए वो मुक्त चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। जिस दिन लागू हो जाएगा उसी समय पता चलेगा ये कितना हुआ है, धरातल पे कितना उतरा है कितना नहीं उतरा, क्योंकि अभी पुराने वादे तो उनके 2014 के पूरे नहीं हुए, ये कहाँ तक हो पाएगा। अभी मैं समझता हूँ कि आज तक जितनी भी सरकारें आई 70 साल तक जो भी सरकार जो है इस समय जो है सरकार में रही, सत्ता में रही, उन्होंने कभी भी जो है इस तरह का फैसला नहीं लिया और हमेशा जो है उसका जो है राजनीतिकरण किया है उन्होंने। कभी उन्होंने OBC के चक्कर में, कभी उन्होंने जो है अल्पसंख्यक के चक्कर में, और आज सही मायनों में अगर देखा जाए तो मोदी जी का जो है बहुत ही बड़ा फैसला है, इसको सभी लोक क्षेत्रों में जो समर्थन करना चाहिए, क्योंकि ये फैसला जो 70 साल बाद आया और ये कोई 56 इंच का सीना वाला ही बंद कोई कर सकता है, क्योंकि हमें हमारी ये मांग पहले से थी। हमें ये कोई मतलब नहीं कि हमें कोई अल्पसंख्यक है, कोई जो OBC वाला है, कोई SC वाला, हमें इससे कोई मतलब नहीं। सारे हम इसी देश में रहते हैं, सबको समानता का अधिकार मिलना चाहिए, इसलिए जो है हम चाहते हैं कि आर्थिक आधार पर कोई भी हो, किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, सब कुछ आर्थिक आधार पर जो है समानता का अधिकार मिलना चाहिए। इतना बड़ा फैसले में जो है हम मोदी जी के साथ है और हमेशा इस तरह के जो है फैसला जो है हमारे मोदी जी ये 56 इंच का सीने वाला ही ले सकता है। धन्यवाद। देखो जी, मैं इसको 2019 का जो आप कह रहे हो कि ये चुनावी स्टंट है, मैं नहीं मानता इसको। हमारे देश के जो प्रधानमंत्री श्री मोदी जी हैं, इनका एक जो सोच आई है कि सबका साथ सबका विकास, ये जो आरक्षण जो हमारे देश में पहले से चला आ रहा है, इस पे मैं मानता हूँ कि जो आर्थिक स्थिति से कमजोर वर्ग के जो लोग हैं सबको इसका हक मिलना चाहिए। तो मोदी जी ने ये जो बहुत ही बड़ा जो निर्णय लिया है, ये हमारी जो हमारे बीच की जो दूरियाँ थी आज तक, कि स्वर्ण कहते थे कि जी SC ST लोगों को ही जो है इसका बेनिफिट मिलता है, हमें नहीं मिलता, तो मैं नहीं मानता कि इसके बाद ये जो हमारे बीच जो गैप था ये फिल हो गया है। और जो आर्थिक स्थिति के कमजोर जो लोग हैं, जिनके घर में चूल्हा तक नहीं जलता, मैं मानता हूँ कि उन लोगों के लिए ये बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। और अगर आप इसको 2019 का चुनावी स्टंट अगर आप मान के चलते हो, तो मेरा कहना तो ये है कि भगवान विष्णु जी ने श्री कृष्ण के रूप में महाभारत में भी काफ़ी धर्म के लिए जो युद्ध किया था उसमें भी उन्होंने काफ़ी अपनी ऐसी नीतियाँ अपनाई थी, तो ये मैं मानता हूँ ये नीति जो है हमारी पॉजिटिव की ओर जाएगी, इसका हमें निगेटिव वो नहीं लेना।